बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद दांतों के साथ मुस्कुराएं। दांत अगर कुदरती पीले हों या पीले निशान हों तो देखने वाला समझता है कि ये शख्स दांतों की सफाई नहीं करता और शख्सियत का वक़ार मजरूह होता है। दूसरा, अच्छी भली मुस्कुराहट दागदार दिखाई देती है। अगरचे ये कुदरती अमल है कि जितना रंग काला होगा इतने दांत सफ़ेद होंगे और जितना जिल्द का रंग सफ़ेद होगा इतने दांत पीले होंगे, लेकिन बाज़ मरीज़ों में ये रंगत रूटीन से हट कर होती है, यानी या तो दांत बहुत पीले होते हैं या दांत के अंदरूनी हिस्सों पर इंतहाई बदनुमा दाग होते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की सारी शख्सियत तहस नहस हो जाती है। इस गैर फितरती पिलाहट के मुनज़्ज़ैल असबाब हैं। दांतों की पिलाहट के असबाब। नंबर वन, बाज़ इलाकों के पानी में फ्लोराइड नॉर्मल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसे इलाकों के लोग दांतों में फ्लोराइड के पीले और बदनुमा निशानात बकसरत पाए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान के इलाकों, ख़ासकर मियांवाली, डीजी खान और मुज़फ़्फ़रात वगैरह में अक्सर लोग फ्लोराइड के हाथों पीले दांतों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नंबर टू, इस तरह दौरान हमल बाज़ माओं की गलत दवाओं के इस्तेमाल करने से बच्चों में दांत की रंगत स्याह या गहरी पीली होती है। उम्र के गुज़रने के साथ साथ बाज़ लोगों के दांत ज़्यादा पीले हो जाते हैं। बाज़ लोग चाय, कॉफ़ी, सिगरेट बकसरत इस्तेमाल करते हैं, इनकी वजह से इनके दांतों की सफ़ेदी ख़त्म हो जाती है। बाज़ लोगों के दांतों पर गलत ब्रशिंग की वजह से खुरदरापन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से दांतों की असल चमक ख़त्म होकर पीले दिखाई देते हैं। इलाज। अब परेशान होना छोड़िए, क्योंकि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का शोबा अपनी पूरी तवानाइयों के साथ इस मसले पर काबू पा चुका है, जिसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से दांतों को सफ़ेद से सफ़ेदतर बनाया जा सकता है। नंबर वन, अमूमन मरीज़ का माप लेकर ट्रे बना दी जाती है, जिसमें दांत सफ़ेद करने वाली ट्यूब से दवा निकाल कर मरीज़ का कहना सही नहीं, तालिब जमाल इन ट्रेस को रात सोते वक्त दांतों पर चढ़ा लेते हैं। इस तरह हफ्ता डेढ़ में दांत इसकी मतलूबा ख्वाहिश के मुताबिक सफ़ेद हो जाते हैं। नंबर टू, ब्लीचिंग लाइट सिस्टम के ज़रिए 2-3 नशस्तों में दांत ख्वाहिश के मुताबिक सफ़ेद हो जाते हैं। नंबर तीन, छोटे मोटे निशानात तो आजकल माइक्रो एब्रेशन के ज़रिए चंद मिनट में दूर किए जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोसिस के बदनाम तरीन अंदरूनी निशाना, जिस पर कोई तरीका भी पूरी तरह काबू नहीं पा सकता था, आजकल लेज़र वाइटनिंग सिस्टम की बदौलत जड़ से ख़त्म कर दिए जाते हैं। हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल डेंटल हेल्थ को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।